First of all, I would like to say that I'm extremely happy to be here this evening. क्योंकि normally we go to such events जहाँ पे glamour और meet and greet होता है basically लोगों से, लेकिन first time ऐसे event पे आके जहाँ पे I get to see so many people doing so much of good work for this society, helping others out and helping people like their own. I think it's a great experience to meet them personally and to talk to them, to have a conversation with them. I think it's very real. और glamour और चकाचौन से तो भरी हुई event पे हम लोग हमेशा जाते हैं, लेकिन ऐसा real cause जहाँ पे real लोग हैं और real world में लोगों के काम आते हैं, उनको help करते हैं, ऐसे लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा. और I would like to thank Ajay sir and Prashant ji for giving me this wonderful opportunity to come here tonight and meet all of you. और बस that's it. I'm very happy to be here and keep shining my young stars, क्योंकि आप हमारे future हैं. मैंने I think I saw just one performance till now, that hip hop performance, and they were like really cool. And you are our future stars, so work hard and enjoy your life, enjoy your school life, enjoy your college life, enjoy your life basically, and do what you feel like. बस कभी हिम्मत मत हारना और जो ये दिल चाहे हमेशा वही करना. वाह, थैंक यू सो मच. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रवि सेन. वेल थैंक यू रवि, इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू हियर. थैंक यू फॉर ग्रेसिंग दिस इवेंट. दिस वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल, दिस यू मेड इट मोर ब्यूटीफुल, यू जस्ट ग्लोरिफाइड इट. थैंक यू सो मच. आई वुड रिक्वेस्ट कृपा शंकर सिंह जी एंड प्रियंका चतुर्वेदी जी टू प्लीज. थैंक यू फॉर ग्रेसिंग दिस इवेंट. थैंक यू. A few words of blessings from Kripa Shankar Singh ji. CWC का नाम आता है तो हम लोगों को कांग्रेस वर्किंग कमेटी दिखा, लेकिन यहाँ CWC जनरल वेलफेयर सेंटर. आज के इस 38th एनुअल डे फंक्शन में यहाँ पर उपस्थित हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी स्पोक्स पर्सन श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, श्रीमती गुरप्रीत चड्ढा जी, प्रशांत जी और अजय कौल का नाम लें या न लें, जैसे दीपक को अपना परिचय देने की जरूरत नहीं होती है, प्रकाश ही उनका परिचय देता है, वैसे ही अच्छे काम करने वालों को जरूरत नहीं उनको बोलना पड़े मैं अच्छा आदमी हूँ. मैं आपके बारे में इतना कह सकता हूँ, निदा फाजली साहब की एक गजल है और आप उसी रास्ते पे चलते हैं. निजा फाजली साहब का जल है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो. क्योंकि हमारा बेस्ट कलाकार मराठी का जादव ही थे बसले मनावते, जादव बरो बसले अंतर खूब अमला कौतुक वार्ता जादव. तो सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो. सभी हैं भीड़ में, तुम भीड़ से निकल सको तो चलो. यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के भी संभल सको तो चलो. अजय कौल साहब, आपको कितना मैं प्रणाम करूँ, आपकी विजन को प्रणाम करता हूँ,
और बधाई देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम पॉलिटिकल आदमी किसी कार्यक्रम में जाएं, कुछ लोग तो ताली बजाते हैं कि बंद करो तुम्हारा भाषण सुनने के लिए, हम लोग नहीं बैठे हैं, कुछ लोग अभी थोड़ा और बोलो, और राजनीति का आदमी समझ नहीं पाता। बट ऐसे कार्यक्रम में जो हमारी फिल्मी दुनिया के सितारे और कलाकार जो आए हैं और बच्चे अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनके बीच में ज़्यादा समय लूँ तो मैं गुरप्रीत आपको बताना चाहूँगी, एक कार्यक्रम में इसे एक अपना पहुँच गया आदमी और लगा बोलने, लोग सामने थक गए तो पीछे से गाली एक डंडा लेके आके यहाँ स्टेज के बगल में खड़ा हो गया। तो जब राजनीतिक आदमी की निगाह उस पर पड़ी तो उसने कहा कि मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, मैं अभी अपने बात को ख़त्म करता हूँ। तो जो आदमी खड़ा था ऑडियंस से डंडा लेकर के, उसने कहा आप बोलिए जितना बोलना है, मैं आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं दूसरे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है। तो मेरे जाने के बाद गुरप्रीत चड्ढा, जयकौल साहब, प्रशांत और तकलवे आए, सचमुच इतना सुंदर इतना भव्य कार्यक्रम, और जो आप बच्चों का फ्यूचर देने का काम कर रहे हैं अजय कौल साहब, बहुत बहुत सारी बधाई आपको, और हमेशा इसी प्रगति मार्ग पर आप, आपकी संस्था और आपका विद्यालय हमेशा आगे रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। Help the institution to grow. So Children Welfare Center owes a lot to him. Sir, thank you so much. And of course, I'm taking you to the best orator. When she's a spokesperson, I think she needs no introduction. I hand over the mic to Priyanka Chaturvedi ji. Thank you so much, Ajay ji. Thank you so much to all the parents of CWC School for having me over. Thank you so much to the supporting staff and the teachers of this wonderful school for having me over. I remember जब मैं सेंट जोसेफ हाई स्कूल जुहू में पढ़ती थी तो जब भी लंबे लंबे भाषण शुरू होते थे मैं टोटली ट्यून ऑफ कर जाती थी। सो आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ ऑल द पेरेंट्स हु वांट टू सी देयर चिल्ड्रन परफॉर्म टुनाइट बट वी हॉगिंग द लाइमलाइट व्हिच इज द यूजुअल विद पॉलिटिशियंस दीस डेज। जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स आई वुड लाइक टू से हियर। इट इज एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी टू बी स्पीकिंग फ्रॉम दिस स्टेज टुडे बिकॉज आई रिमेंबर that my mentor Shri Gurudas Kamath ji, whenever he used to speak about his own constancy, the first name that he used to take was of Ajay Kaul ji. It used to begin with him, and jaise Kripa Shankar Singh ji ne kaha CWC hamari Congress working committee hoti hai aur wahi hamare liye success ka rasta hoti hai, वैसे ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ सक्सेस चाहिए हो तो हम सीडब्ल्यूसी स्कूल से ही शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पार्टी का ही नियम रहा है, मुझे हाईलाइट होने की जरूरत है। हमारा क्या रास्ता है, हमारी देश की क्या परंपरा है, देश की क्या सोच है, हम कहीं ना कहीं उससे भूले चले जा रहे हैं, और हम सारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को उसी राह पर लेकर चले जिस राह पर हम चलकर आगे बढ़े हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी दैट टेक टाइम आउट टू टीच योर चिल्ड्रन the power to listen, the patience to listen. Speaking तो हम सभी करते हैं, सुनना हमने कहीं कम कर दिया है। एक request और करूँगी, teach them always to keep learning. मैं जब बची थी मैं कभी stage पर perform नहीं कर सकती थी, stage पर बोलने से पहले, एक statement कहने से पहले मैं पूरी speech भूल जाती थी, ये मेरी हालत होती थी। But you continue to learn, you continue to build your confidence, continue to gain strength. Learning is a curve which will never be the end. Continue to learn, teach your children always to learn, and teach your children to speak the truth and strive for peace. In an environment we live in today, it's very easy to react. It's very easy to talk about attacking, talk about war, talk about retaliation. It's very difficult to teach children the value of peace in times we live in. So this is my only message to all of y'all, my only request to all of y'all. I wish y'all a very lovely evening, and I wish many, many more successful stories, many more successful students coming out of CWC. So thank you so much. Thank you. Well spoken. Well spoken. Thank you, ma'am. Thank you for being here and your presence. Truly, truly appreciated. Well, now, ladies and gentlemen, after this, it is time to call upon stage a performer who actually needs no introduction. She is the most prettiest face on television.
the most prettiest face actually. I don't know her personally because I've not worked with her, but what I heard of her is that she's very down to earth, very simple. She's not only beautiful from outside, but also has a beautiful heart. A fantastic dancer, a fantastic performer. Ladies and gentlemen, she rules the television industry, and of course, the screen adores her. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the very beautiful, I think she's really pretty in real life too. Does the name ring the bell? Drishti Dami performing for you, so make sure you give her that. Char, shout karoge ki nahi? Seetiya kaun bajayega? Kaun chillayega? Alright, here is the fantastic performer, Drishti Dami for you. Functions that I've attended, because there's so much unity. Something that I really felt very nice was our ex-students take part in the annual function and they organize the whole day. I think it's really nice. Keep up the good work and cheers! Thank you so much. No, please, there is a little token of thanks that has to be given to you. But you will see her one more. I know you professionally, but you know what? I think there are a lot of students out there who want to know that how do you stay so fit? What is the reason of this fitness? Thanks, Shibali. Thanks, CWC, for having me here. All the esteemed guests, Ajay ji, thank you very much. Prashant ji, thank you very much. Good evening, everyone. I won't take so much of your time. The beautiful Jay Padra ji is here right amongst us. I mean, she's such an inspiration, I think, you know, for every actor, every talent to look up to. The way you sort of conduct yourself is wonderful, ma'am. So, all I want to say here is, you know, I'm a single parent myself. Unfortunately, I lost my wife to cancer. So, having spent a lot of time with my son, you know, in raising him, I mean, I really do appreciate Ajay ji, whatever you're doing. You know, abhi kabhi bhi school ke admission ke liye jao hote, पेरेंट को लगता है कि उसका इंटरव्यू होने वाला है यू नो इट्स डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कनेक्टेड टू योर चिल्ड्रन एंड ऑल आई वुड वांट टू से टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ हियर जस्ट लाइक मी इज द टू थिंग्स टू वर्च्यूज यू नो इनिशियल दिनों में मैं समय दे नहीं पाया अपने बेटे को बट मेरे ख्याल से पेशेंस एंड काइंडनेस एंड टू बी हर्ड क्या कहना चाह रहा है आपका बच्चा आपसे वो थोड़ा ज़रूरी है बाकी तो लाइफ तो चलती रहती है फिटनेस के बारे में वी डिड अ हेल्थ कवर टुगेदर रूपाली इज़ डूइंग अ फाइन जॉब हो गया यही है कि ज़रूरी है पढ़ना लिखना आई डिड एन इंजीनियरिंग डिग्री माई सेल्फ आई एम फ्रॉम अ अपर मिडिल क्लास फैमिली तो यू नो यही सुनने में आता था रोज कि पढ़ोगे नहीं तो मरोगे ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स बट आई थिंक इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू कीप फिट I think I learned that from my father who is 1991 right now he's of course going through a struggle with his own health. I had the pleasure of meeting the legendary Fauja Singh. 104 saal ke hain. London mein main mila tha unko. He's the oldest marathoner the world has right now. So he's sort of like almost like a jewel in the world. And I think in logon se mujhe yahi seekh milti hai ki thoda thoda samay roz एक होती है ना रस्सी जब जाती है कुएं के अंदर पानी निकालते हैं वो दरारें बन जाती है पत्थर में
जहाँ से वो रस्सी आती है। तो थोड़ा समय रोज अपने शरीर को अपने आप को देना बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज दिस इज ऑल व्हाट यू गॉट व्हेन यू केम इनटू द वर्ल्ड, व्हेन यू केम इनटू दिस ग्लोब, दिस इज ऑल द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड यू विद। सो आई थिंक इट्स एवरीवन्स ड्यूटी टू लुक आफ्टर देमसेल्फ्स, एंड एज फार एज एजुकेशन, चिल्ड्रन, स्कूलिंग, ऑल ऑफ दैट इज कंसर्न्ड, 1/5 ऑफ करंट इंडिया इज अंडर 18, you know, so it's a big statistic. So I'm talking to a small segment of that 1/5, but a very privileged one. In sab bachchon ko education ka mauka mila hai, and of course it's philanthropists like Ajay ji who sort of give opportunities to children whose parents can't meet what the requirements of the school are. So I'm really glad to be here. I'm really, really genuinely glad to be here, because कॉलेज एडमिशन, स्कूल एडमिशन में खुद गया हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे वो एक कोई भी हो पेरेंट, यू नो, कोई भी पेरेंट हो, एक एंग्जाइटी, एक नर्वसनेस रहता है कि यार एडमिशन हो जाना चाहिए। सो ऑल आई विश यू ऑल द बेस्ट, इट्स बीन वंडरफुल हियर, एंड आई एम रियली रियली एंजॉयिंग व्हाट यू गाइस आर डूइंग, एंड जस्ट कीप ऑन एंजॉयिंग व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू। आई एम जस्ट गोना गो ओवर देयर एंड वॉच व्हाट यू गाइस आर पुटिंग अप। Thank you very much. Are you having fun here, Rahul? Are you enjoying? The students have really taken a lot of efforts to put this performances. I'm sincerely, sincerely surprised, and a lot of learning for me to learn from all of you all what you guys are doing over here. You know, it's so, so difficult to perform live. आप लोग कैसे कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा सच्ची में। No cuts, no one more, no nothing. आप लोग कैसे कर रहे हैं? एक हमारे मराठी एक्टर हैं यहाँ पे, जिनको मैं बहुत देखता हूँ टेलीविजन के ऊपर, क्योंकि जिनके साथ मैं हूँ अभी, वो बहुत दिखाती हैं उनको, तो आई थिंक उनसे भी हमें सीख लेनी चाहिए। वो भी बिल्कुल स्पॉन्टेनियस किस्म के एक्टर हैं, ज़बरदस्त एक्टर हैं आप सर। तो अब जाके देखते हैं आपके परफॉर्मेंसेज, आपके एक्ट्स, मैं वापस जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। I am a classical dancer myself, so I know that when I read a couple of dancers who got an opportunity to dance for our nation. I'm very, very happy to be here. Thank you so much, Ajay Kaunji, for inviting me. Thank you, Rupali. I'm very surprised and very happy to see everyone dance. Dance means happiness, and you're spreading so much joy, positivity and happiness with your performance. It's really amazing and heart touching, and some of the AVs I've seen. Well, इनके बारे में क्या कहूँ, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, दुर्योधन आज तक कभी बना नहीं इनके जैसा, और मुझे अभी भी लगता है कि एक डायलॉग था कि ये 2.5 किलो का हाथ अगर किसी पे पड़ता है ना, वो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये 10 किलो का हाथ है, एक हाथ 10 किलो का है। He's a really man, the one who actually created the body, the strength, and of course the villain in him actually showed the power that villains are so strong, and he made it so, so very truthful and so very believable. Ladies and gentlemen, please put your huge applause for Puneet sir. Sir, I'm message agar bachcho ko de sake, वैसे मैंने 10 किलो का हाथ तो बता दिया, वैसे सब डर चुके हैं आपसे, but थोड़ा सा मैसेज, प्यार भरा मैसेज अगर आप दे सके तो। Hi guys, how are you? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बच्चों का उत्साह देखा, जो जोश देखा, और सबसे पहले मैं अजय जी का, प्रशांत जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो कार्य कर रहे हैं, जो पढ़ाई का और जो बच्चों को प्रोत्साहन देने का, ये बहुत ही महान कार्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश की नींव है। अगर जो एक इमारत खड़ी होती है, जो नींव अगर आपकी सशक्त होगी, स्ट्रांग होगी, तो ही इमारत सशक्त होगी, स्ट्रांग बनेगी। सो जो देश है, अगर बच्चे ताकतवर होंगे, स्ट्रांग होंगे मेंटली, फिजिकली, तो ही देश जो है वो उज्ज्वल होगा और सशक्त होगा। मैंने अभी राहुल आए थे, वे मेरे छोटे भाई हैं, जो उन्होंने बात की बिल्कुल सही कही,
मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें अपने माता पिताओं से बच्चों से शेयर करना चाहूँगा कि जो आपको जो ईश्वर ने ये शरीर दिया है कितनी योनियों के बाद आपके मनुष्य का जीवन मिलता है। तो सबसे बड़ी बात उसमें ये आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए कि यू नो डी जनरेशन ऑफ द बोन जो आपका जो शरीर है इट स्टार्ट्स डी जेनेटिंग वंस यू ग्रो। जैसे आपकी हाइट बढ़ जाती है आपके जो बोन्स हैं उन्होंने डी जनरेट होना ही है, वो अवश्यंभावी है, लेकिन आप उसको डिले कर सकते हो उस प्रोसेस को। सो आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। अच्छा अक्सर हमारे हिंदुस्तानियों में एक मानना है कि यार जो दंड बैठक खेलना है या जो भी एक्सरसाइज करनी है वो जवानी में करते हैं। दैट्स अ रॉन्ग नोशन। ऑन द कॉन्ट्ररी आफ्टर 35 और आफ्टर 40 ये बहुत जरूरी है। 50 के बाद कंपल्सरी है और 60 के बाद तो इट्स अ मस्ट। बिकॉज अगर आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे यू आर गोइंग टू गो। और एक्सरसाइज की कोई एज नहीं है। जब भी आप शुरू करें बच्चों को बोलिए दे मस्ट ईट राइट। ये सब झूठ है कि ड्रग्स करना सिगरेट स्मोकिंग ड्रिंकिंग बंद। मैं आज तक नहीं पीता। आई डोंट स्मोक आई डोंट ड्रिंक आई से नो टू ड्रग्स। दैट इज व्हाई व्हाट आई एम। अच्छा ये भी ग्राउंड मोशन है कि साहब आपको सप्लीमेंट्स खाने चाहिए। आजकल शॉर्टकट है। देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क। बच्चों एक चीज याद रखना आपके जो नॉर्मल जो आप खाना खाते हैं घर में उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं सब कुछ है। जो आजकल इंडिया शुरू है वे प्रोटीन जो आपको पता जो दही का पानी होता है दैट इज वे प्रोटीन। आपके खाने में सब कुछ है खाइए। और अगर आप कुछ लेना भी चाहते हैं कि सप्लीमेंट्स तो डॉक्टर को कंसल्ट करके लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक जो बच्चा है जो बड़ा हो रहा है यू मस्ट हैव सम फिजिकल एक्टिविटीज आप करिए। और जो बूढ़े हैं जो माता पिता उनको भी करना चाहिए। दैट बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम 61 एंड आई स्टिल वर्क आउट 4 hours a day। Oh my God. I do martial arts, I do weight training, I do lots of things. ये बहुत ही जरूरी है बिकॉज ईश्वर ने जो आपको ये देह दिया है इसका आप उपयोग करिए। अच्छा ये नहीं कि आपको कोई ताकतवर बनना है। वो रोज मर्तबा की जिंदगी में भी आपके काम आएगा। वॉक करिए आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप 1 घंटा अवश्य दीजिए अपने बॉडी को। योग करिए आप वॉक कर सकते हैं रनिंग कर सकते हैं। और वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपको जिम जाना घर में छोटे डंबल्स रख लीजिए किसी से सीखिए। ये करना बहुत ही आवश्यक है। That's it. I would like to tell the kids. बाकी से being a wonderful journey. I'm very happy seeing people, my colleagues, my friends performing. Very nice. I can see an approval. I think somebody else is coming. God bless them. और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को कि जो बहुत शिल्पा मैम
ठीक है, आ जाना ठीक है, मेरा हाथ में। थैंक यू। ओली मीडिया प्लीज, ओली मीडिया से बाकी तो पीछे जाए प्लीज। दीपक तुम पीछे कर, ओली मीडिया में बच्चे बहुत डिफिकल्ट थे परफॉर्म कराने के लिए कि इजीली हो गए? डेढ़ महीने की मेहनत है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें सपोर्ट किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेल, CWC के बच्चे हैं, मेहनत करेंगे और अच्छे रिजल्ट से पास तो हो ही जाएंगे। Congratulations and thank you so much. Thank you for putting up this together for us. Thank you, sir. Well, जैसे अब बारी है आगे बढ़ने की, और इस बार का जो परफॉर्मेंस है, जो पहली बार मैंने कहा था, थोड़ा चेंजेस है हमारे पास, वो व्हाटएवर कारण की वजह से हम वो तब नहीं कर पाए। नाउ इट्स टाइम टू एक्चुअली गो ऑन विद द परफॉर्मेंस, एंड दिस टाइम द परफॉर्मेंस procedures and has given a new lease of life to many troubled patients. CWC felicitates him for immense contribution to the field of medicine. Ma'am, I would like you to do the honors for us. Yes, sir. Yes, sir. Ma'am. Head mammy aya. Thank you. Doctor sir, doctor who is mammy? Thanks, Ajay sir, to invite me today evening. I would like to tell the students to realize and understand when they work towards a direction, and इसी तरह से ये आपको जब भी आपसे अंदर से realization आती है, तभी आप पढ़ाई की ओर और आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप उस direction में जा सकते हैं। जैसे कोई कुछ लिखता है और पोएम्स लिखता है तो वो एक अच्छा राइटर बन सकता है, वैसे उसको मैथ्स या साइंस में फोर्स नहीं कर सकते पढ़ने के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो लाइक करते हैं मन से, उसी में आप पैशन और डेडिकेशन डेवलप करते हैं। तो इसके लिए टीचर्स और पेरेंट्स ने भी ये ध्यान देना है कि जो बच्चों को अच्छा लगता है उसी में उनकी मदद करें, जिससे वो आगे बन के अपने जो क्षेत्र में है वो खुद जो काम करते हैं वो अच्छी तरह से कर पाए और वो अपने काम को लाइक और लव करें, और उसी से डेडिकेशन
पैशन और आगे की उनकी खुद की आगे की लाइफ अच्छी बन सकती है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेल इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर. यू कैन नाउ टेक योर सीट. थैंक यू. वेल नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स टाइम टू ऑनर समवन हु इज राइट हियर ऑन स्टेज. लेडीज एंड जेंटलमैन द वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स यू सी हर ऑन टीवी एवरी डे. शी हैज गॉट अ माइंड ऑफ हर ओन द वॉइस ऑफ हर ओन. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज हेल्प मी वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल शिल्पा शेट्टी. कैन आई हैव अ ह्यूज लाफ फ्रॉम द गाइस. जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है उन्हें मैं पूछती हूँ, वही मेरे पति है, वही मेरे जीवन साथी, मेरी हर सांस में हर धड़कन पर राम बसे हुए. क्या मैं पहले पैसे नहीं कमाते थे? किसने बोला मुझे कि जॉब छोड़ दो? किसने कहा मुझसे? Crazy about you, because the moment you entered I could hear the uproar so loudly that we were like, oh my god, what's happened? But yes, you have a lot of fan following here. They're all students, they all are gearing up to accomplish their future, to know what the future holds for them. Any message that they can have for me would be fantastic. First and foremost, I have to thank Ajay ji for inviting me here. The founder Jawahar College. Some wonderful work that they've done here, and I'd like to wish all the students of CWC, all the members of staff who have tirelessly worked, unconditionally and selflessly worked towards the making of the foundation of every student a very happy 38th annual day. So big round of applause to all of you. This is a great achievement. How did you like the performances? You have seen some of them. You've got a tagline. I think everybody's like talking about that tagline. You know, so I was quite amazed because aaj ka jo performance tha wo lip sync kiya gaya tha. तो पूरा स्टेज तो था ही, लेकिन उसे लिप सिंक करना, परफॉर्मेंस को लिप सिंक करना और इमोट करना बहुत मुश्किल होता है. तो मेरे लिए ये परफॉर्मेंस सुपर से बहुत 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 बढ़ाता है. जोरदार तालियों को, जज्बाती तालियां शिल्पा जी के लिए तो बजनी चाहिए. नहीं, बहुत अच्छा लगा. इन विदाउट साउंडिंग रूड एंड नॉट फॉरगेटिंग, ऑलवेज कीप द बेस्ट फॉर द लास्ट, आई हैव टू से हमारे जो दिग्गज कलाकार बैठे हुए हैं हमारे सामने, धर्म जी जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, जया जी यहाँ पे उपस्थित है, तो उनको मेरा सादर प्रणाम. और बस आप कह रही थी कि मैं बच्चों को कुछ कहूँ, कुछ आई डोंट नो व्हाट अ मैसेज, बट आई रियली थिंक कि आई थिंक द सब्जेक्ट दैट दे चोज वॉज वेरी वेरी रेलिवेंट अबाउट सोशल मीडिया. और मैं धर्म जी से वही बात कर रही थी कि आप किसी भी चीज़ को अपने ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यू शुड बी एबल टू मेक इट अ वेपन टू यू नो काइंड ऑफ गो अहेड, नॉट अ वेपन दैट इज गोइंग टू इंजर यू. सो द सेम विद सोशल मीडिया. I am on social media, but I try to play catalyst in the department of health and wellness. I try to motivate people, but it's very important for the children of today, for the parents of today to be aware of as well, you know. और जब मैं हेल्थ और वेलनेस की बात करती हूँ, आई थिंक एज पेरेंट्स एज टीचर्स हम लोग बहुत एम्फेसिस देते हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें कि जब कोई एंटर रूम में एंटर करे तो उनके पैर छुए, खड़े रहकर नमस्ते करें. आई ऑल्सो वुड लाइक टू प्रेस ऑन द फैक्ट दैट आई रियली विश वी वुड टीच आवर चिल्ड्रन टू ईच राइट, टू ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू ईच विद ग्रैटिट्यूड. आई थिंक वो थोड़ा सा मिसिंग है हमारे जनरेशन में,
I really feel that we can see the, you know, the disservice we're doing with this generation, with encouraging them with aerated drinks, junk food. They're doing well in their exams. You want to take them out to have junk food. Absolutely. So ये मत encourage करिए. I really think that हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे छाछ और लस्सी और घी पान है भी. हाँ, घी है. घी मैं बहुत खाती हूँ. तो I think we should encourage those things and you must encourage those things with your children. You see, I mean, you know, these children are our future. Absolutely. So I really hope that people, even if out of this whole crowd one person makes a change, I think that, you know, maybe मेरा यहाँ पे आना सफल हो गया. So thank you so very much for inviting me and have a great day. You are also, there's one more question that has always been on my mind to ask you, that you have been with children, you know, for a lot of children's shows in so many seasons, in so many years. The kind of bond, it is not easy to bond with kids. And very easy to bond with kids. It's very difficult to bond with grown-ups. So anything, I'm sure that you learn a lot from the, you know, from so many kids that have performed in your show. You interact with them on a daily basis. Anything that strikes your mind to tell us that in बच्चों से क्या सीखने मिलता है बड़ों को? मैं रोज सीखती हूँ. मैं actually कभी-कभी डरती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ कि मैं उस सीट पे बैठ के उन बच्चों को जज करूँ. बहुत बड़ी बात है. नहीं, मैं सच कह रही हूँ क्योंकि जो ये बच्चे करते हैं वो आम बात नहीं है. बहुत आसान होता है वहाँ पे जज की सीट पे बोलना कि और खामियाँ निकालना और टिप्पणी देना. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो जो करते हैं वो बहुत ही ब्लेस्ड हैं और वो रिहर्स नहीं है. You know, there's some things that are gifted to you and those children, what they do is really amazing. But I think the most beautiful thing about kids is the fact that they don't think before they speak. That's absolutely and fearless. It's so genuine. Yeah, it's so fearless. I love that about children. That's what I feel. I learn the fact that it's beautiful to be childlike. And I think hum sab mein ek bachcha hai. Or the people who are most successful are the ones who are successful in keeping that child alive. Alive, absolutely. You can never age. Yeah. We have a very good example, Bhupendra ji here. Yeah, Dharam ji has that child. Has that child in him still. Well, ladies and gentlemen, all the CWC students, can I have loud and clear for Shilpa Shetty? Well, thank you so much for being here. Thank you for gracing this evening today. And it was a true pleasure to have you here. You are glorifying. You get your charm to every event that you go, to every place that you go. And I truly hope that we all have learned something from you. Thank you. Thank you so much. God bless. Thank you. Banana here. And truly, ladies and gentlemen, she's got a stardom of her time. She's got an epic of her time and an era of her time. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the evergreen, the very beautiful and this timeless beauty. This is very popular band here to the AMU. Well, thank you, ma'am. Thank you for gracing this evening. Thank you for gracing CWC event. Thank you. Yes, ma'am. Yeah. कभी डांस एक्टिंग स्टाइल ग्रेस अगर आज की जनरेशन ने कहीं से सीखी है तो वो इंस्टीट्यूशन यहाँ है. दिस इज द इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव लर्न सो मच फ्रॉम. ये अदाएं बदाएं तो चाहिए, हम तो बहुत बाद में देखते हैं, बट आया यहाँ से है. मैम, अगर आप दो शब्द कह सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को जो आपको सुनना चाहते हैं, बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पर आपके. अली कमाई चाहिए. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग एवरीबडी. आज बहुत अच्छा लग रहा है. मैं आसमान में देख रही थी कि कोई तारे आसमान में है या नहीं है. आपको दिख रहा है ना? बिल्कुल नहीं है. इसलिए कि सारे तारे जो है आसमान से नीचे उतरकर अपने बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए आ गए हैं. मैं धर्म जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ. He is the real he-man. He is the legend. उनके मौजूदगी में हम सब यहाँ पर उपस्थित
ये मेरा लिए मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और अजय जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, प्रशांत जी को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ के सी डब्ल्यू सी इस फंक्शन पे हमें बुलाया और सारे बच्चे जोश तरोश से इतना परफॉर्मेंस दिया, उनके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ। आई कंग्रेचुलेट ऑल द किड्स टू हैव परफॉर्म द बेस्ट। एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में माँ बाप को, टीचर्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पेरेंट्स के बाद हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए हमें टीचर्स को। जब आप स्कूल से जाने के बाद आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक लॉयर बन सकते हैं, आप एक क्रिकेटर बन सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बच्चे जो विंग कमांडर अभिनंदन जैसे एक योद्धा भी बनना चाहिए। आई फील प्राउड ऑफ हिम। इस देश के लिए उन्होंने जो त्याग दिया है और इस देश के सर ऊपर रखने के लिए उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, मैं उनको सलाम करती हूँ। तो आज मैं इसलिए यहाँ आई हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी लेकिन छोटी सी बात कहकर मैं समाप्त करूंगी कि मैं बहुत छोटी उम्र में मैं इंडस्ट्री में आ गई। तो समटाइम्स आई मिस दोस स्कूल डेज, कॉलेज डेज। और जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद वापस मैं उसी स्कूल में गई जहाँ पे मुझे पढ़ने के लिए हमारे टीचर्स ने मुझे एक इंस्पिरेशन दिया है। तो आज मैं उस रिकॉल करती हूँ उन दिनों को कि जब मैं यहाँ आती हूँ तो सारे हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Mandy. Thanks a lot. I would request Shri Sanjay Nirupamji to please come onto the stage. I would request Dr. Santosh Kulchandani to please come onto the stage. Dr. Santosh Kulchandani ji has performed more than thousands of free cataract operations for us through our camp Ekta Manch. You know, for last 19 years we have been organizing this camp. Our eye surgeons in Mumbai, he has performed many eye surgeries free of cost for the benefit of the weaker sections of the society. We applaud his generosity in offering his expertise for the benefit of lesser privileged people in the society. Mr. Vilash, if you all recollect, last year we had started with the Roti Bhaji Yojana scheme, where practically Mr. Vilas Chinde from Dabbawala Association is distributing food to nearly 100 people daily since last 1 year, and he has continued with all the good work that is going on. So we would like to felicitate Mr. Vilas Chinde. Vilas Chinde, please. We all remember late Sinistar Shindivi ji had inaugurated the Roti Bhaji Yojana. And since then, it has been continuing. It is only possible because there is a human being who believes in his only guru mantra, humanity. And he is Mr. Vilas Chinde.
I would request Mr. Irfan Sheikh to please come onto the stage. Mr. Irfan Sheikh. Now we have our teacher. Nitin Gadguzar has secured 100% results in Marathi at the HEC examination. Nitin Gadguzar. अरे पीछे का लाइट बंद करो। कौन है यार? Yes, and this is Chalit Kedwar. I always call her as a big boss for securing ICT and IT results at the HEC examination. That shows her popularity. Now on behalf of Children Welfare Centre, we welcome Sanjay Nirupamji and a word of blessings from him. Thank you, Ajay. CWC इस इलाके का धीरे धीरे एक बहुत ही लोकप्रिय स्कूल और कॉलेज बनता जा रहा है और इसका पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो अजय सर को जाता है। अजय सर के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। 38th एनुअल फंक्शन है इनका, मैं मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पिछले साल भी आया था मैं आपके फंक्शन में और मेरा और अजय जी का रिश्ता तो मेरे ख्याल से 25 साल पुराना है और ये रिश्ता जो भी बना रहे किसी की नजर ना लगे और आप जिस तरीके से इस इलाके में एक पूरी नई जनरेशन को गढ़ रहे हैं तैयार कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। CWC के सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके पेरेंट्स जो यहां पर आए हैं उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हाथ में हैं, बहुत अच्छे लोगों के, बहुत अच्छे ग्रुप के साथ हैं, तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए एकदम निश्चित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सर 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 साथ में संजय सर। I would request sir to please release the school magazine for us, please. Well, this is an honor and thank you sir, this is the school magazine. There are still 7 items left, we'll have to finish it off very fast because of time constraint, please. That's why I'm winding up very fast with the prizes. Please, this school magazine to be released. Prior to that, we would like to felicitate our activity chairman for all the hard work that he has been putting. The trophy to Prashant Kashi. Well, Prashant sir has truly been instrumental in the entire conceptualizing and executing the show. Prashant Kashi. Not forgetting the compare of a day, not keeping us totally engrossed and entertained for the today's evening. Rupali Suri. Thank you, thank you. I didn't expect this actually. I really didn't expect this now. But thank you, this CWC is like family to me and everyone here is like family to me. I'm so blessed to have this opportunity to execute this show for you all. I hope that my work has touched you all somewhere or the other. Thank you. I need to talk
बोलना है। ये महज एक इत्तेफाक की बात है, मेरे दाई और भाई दो बहुत ही अच्छे इंसान खड़े हैं। चाहते हैं आज के दिन के लिए तुम बहुत अच्छा काम किया था धर्म जी। आई एम इंस्पायर्ड एट द थॉट एट वॉज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। बट बिफोर आई कम टू द पॉइंट, धर्म जी यहाँ है और मैं जरूर चाहूंगी कि अपने दिल के इंतहा से कोई ऐसे अच्छे नेक इंसान को अपना आशीर्वाद दे जो शायद अपने मंजिल के बीच तक तो पहुंच जाए। आपने काफी मंजिल तय करना है और उस इंसान और शख्स का नाम है जिसे मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ, अजय कौर। एक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिज गुडनेस, फॉर हिज कंपैशन, फॉर हिज ह्यूमैनिटी। आई वांट यू टू बिलीव एंड एंडोर्स दैट हिज गुडनेस हैज टू हैव अनदर नेम। इफ यू हैव टू हंट एंड हंट एंड हंट एंड हैव टू स्टॉप इवेंचुअली एट अ नेम कॉल्ड अजय कौर, नथिंग डिटर्स हिम, नथिंग स्टॉप्स हिम एक्सेप्ट अ कॉज ऑफ पर्पस। एंड आई होप एंड आई प्रे दैट योर विशेस for his courage and determination shall remain endlessly. And now I seek the blessing of a truly good man called Dharamji. And I would call him a lot as Dharmendra, but Dharamji, and see that his blessings are there with Ajay for all kinds to come. Come on, a round of applause and show it to me. It's coming. Thank you. Well, what a time. This is what we witnessed. Imagine that it's an honor from one legend to another legend. This is truly an honor. This is a big moment, guys. Truly an honor. Come on. Guys, can be a little more louder. See, WC can do a little more louder. Come on. This is incredible. From one legend to another. Wow. What a time to be with this. And of course, to speak a few words. All yours, man. Well, sir, बहुत सारे fans हैं आपके यहाँ पर। हमारे सदियों से बहुत सारे fans हैं। पूरा हिंदुस्तान, पूरा बाहर का देश आपका फैन रह चुका है। अगर किसी ने अगर शुरुआत की है ही मैन की सुपर हीरो की, शायद वो आपने की है। बताइए आज के ये जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, आपके पास क्या मैसेज है इनको देने के लिए? सबसे पहले तो मैं सीडब्ल्यूसी के 38th एनुअल फंक्शन में आकर बेहद खुश हूँ। बच्चों को देखकर ऐसे लगता है एन अंडरस्टैंड पीपल ऑफ इंडिया, दे आर गोइंग टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू हैव टू लीड इंडिया वन डे। सो टू लीड समथिंग, टू बी समथिंग, यू हैव टू बी ए गुड ह्यूमन बींग। मेरी जिंदगी में मैंने एक ही बात सीखी है कि अगर अच्छे इंसान हैं आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ बनकर भी अगर अच्छे इंसान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। अच्छे इंसान का मतलब आप बखूबी जानते हैं, माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपके टीचर्स ने आपको इल्म दिया, आप आगे बढ़े, आपने अपने ख्वाब पूरे किए। ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब उसमें जानकारी हो, अगर खोट से बनोगे तो ख्वाब पूरे नहीं होंगे। सो बी हम्बल, बी गुड, बी नाइस टू ईच अदर, लिव टू लव एंड लव टू लिव। मैं आज बहुत खुश हूं के और दुआ करता हूं आपके लिए, आपके माँ बाप की बहुत बड़ी तमन्नाएं, बहुत कुछ आशाएं आपसे, और उसके बाद आपको हमारे देश से बहुत बड़ी आशाएं। आज देखिए हम कहां से कहां पहुंचे हैं और इसी देश को आपने आगे ले जाया। मैं कोई लंबी तकरीर नहीं कर रहा, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। तकरीर मुझे करने भी नहीं आती, मैं बातें ही करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा कहलाने की बजाय अच्छा बनने की कोशिश करना। अगर अच्छे बन जाओगे तो लोग अपने आप अच्छा कहेंगे। मैंने कभी कोशिश नहीं की मैं अच्छा कहलाऊँ, नंबर वन, नंबर टू, थ्री, लेकिन आज जो कुछ भी हूँ अपनी अच्छाई की वजह से लोग मुझे आज भी प्यार कर रहे हैं।
और ये प्यार मेरे दिमाग को खराब नहीं करता, ये मेरे पैरों को मजबूती देता है दोस्तों। आज मैं जो भी हूँ, अपनी अच्छाई अपनी नेकी जो मेरे माँ बाप ने मुझे सभ्यता दी है, हमारी सभ्यता दुनिया के दुनिया भर की सभ्यता से कहीं बहुत ऊंची है। माँ बहन इज्जत सम्मान प्यार ये सब आना चाहिए। मॉडर्न तो हम हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ मत भूलिए हम हमारे बाप दादा हमारे बुजुर्ग हमारे अजदाद क्या थे, उनको देखिए उस वक्त कितना सुख सुकून था, आज वो सुख सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इंसानियत को थोड़ा भुला दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि होती है तारीफ अहमियत की, अहमियत होती है आपका दर्शन वी आई पी वी वी आई पी ये वो होती है तारीफ अहमियत की इंसानियत की, मगर कदर होती है तरजीह ना दे अहदे को इंसानियत पर बंदे पे खुदा की तरफ नजर होती है। वाह वाह वेरी नाइस। और नेक बनना बहुत जरूरी है। देखिए बदी का अंत है कहीं आसपास, बुरे लोगों को आपने मरते देखा है, यहाँ नहीं आज नहीं कल नहीं तो परसों। बदी का अंत है कहीं आसपास, नेकी का कहीं कोई अंत नहीं। किताब नेकी के पढ़ने बंदे इससे बड़ा कोई ग्रंथ है। वन थिंग आई विल लव टू से, इस उम्र में आकर जो मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे माँ बाप को मैंने जी भर के प्यार दिया, इज्जत दी, सम्मान दी, लेकिन वो जो चाहते हैं वो हमने नहीं दे पाते हैं। हम सोचते हैं हमारे माँ बाप बहुत मजबूत हैं, उनका साया सर पे बहुत बड़ी बात है, हम अपने बच्चों के लिए उनकी देखभाल में जरूर रहते हैं, लाजम है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, हमें भी जोर लगाना पड़ता है। लेकिन माँ बाप ये क्या कर वो दुख नहीं देते कि बेटे उल्लाड थोड़ा हमें भी लगा दो, हमारे अंदर भी एक बच्चा खड़ा है, इसे भी उठाकर सिंह से लगा दो। सो लव योर पेरेंट्स द वे यू लव योर किड्स। Absolutely. I think you can understand what I mean. Absolutely. I think you got it. अब ये तकरीर तो काफी हो गई, मैं आपको कुछ आपकी उम्र के मुताबिक कुछ जो आपके बिलन होता है ना, गुरु की है बचने के भी चाहता है, ये उम्र होती है भाई, इस उम्र से मैं भी गुजर गया हूँ, हमारे भी गुजर बस करो जान ले लो भाई। तो एक इन्फेट्रेशन होती है, इन्फेट्रेशन आप समझते हैं सर, आई थिंक अभी तो सिर्फ इन्फेट्रेशन ही होती है। किसी खूबसूरती की तरफ एक कशिश होती है, इसको मैं कहता हूँ एक अनोखी कशिश, एक अनजाना एहसास। तो मैं जब आपकी उम्र में था तब की बात कर रहा हूँ, मैं छोटा था, मासूम थी उम्र मेरी, वो क्या थी पता नहीं, पास जाने को जिसके साथ बैठने को जिसके जी चाहता था, वो तालिबा थी आठवीं की, मैं छठी में पढ़ता था, हमारे स्कूल टीचर की बेटी थी, नाम हमीद रहता है, यूं ही मुस्कुरा देती मैं पास चला जाता, वो चुप रहती मैं सर झुका लेता, पांव के अंगूठे से जमीन को रेतता रहता। वो गुस्से क्यों, सवाल अड़नी हो क्या दादे का भी, मैं हल्की लेकिन सवाल कर और देखते हुए काफ़ी लम्स उंगली को उसकी छू जाता, जाने क्या हो जाता, वो पूछती कुछ और थी, मैं कह कुछ और जाता, वो फिर चुप हो जाती, मैं फिर सर झुका लेता, वो कहती उदास मत हो अभी वक्त है तेरे इम्तहान में सब ठीक हो जाएगा, फिर कभी कोई सवाल हलना हुआ चिंताना मैं हल कर दूंगी सफर पे, वो कहती हुई चली जाती है, मैं देखता रहता, वो ओझल हो जाती है, मैं सोचता रहता ये सवाल क्या है यार, ये अनोखी कोशिश
ज्ञान जाना है साहब से, इसका मतलब क्या है? फिर सोचते, फिर खुद से कहता कि हमीदा जिस दिन सवाल का मतलब समझ आ गया हल के लिए चला हूँ। मैं कुछ इसलिए खा रहा हूँ कि इस दौर से भी गुजरते हैं हम सब, लेकिन मैच्योरिटी भी एक चीज़ होती है, इसके साथ आ ही जाती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा एंटरटेन किया है कि आप मैं एंटरटेनर टू, मैं स्पीच करने वाला का लीडर नहीं हूँ। मैं इन बच्चों को स्टेज पर देखा जब काम करती हुई तो लगा ये रबड़ के बने हुए हैं। अगर मुझे कहीं इस तरह का डांस करना पड़े तो मैं डांस को नचाने लगूँगा। और इससे पहले जो बहुत ही सबक हमारे से प्ले किया गया है उसमें दोस्ती, मित्रता, प्यार सब कुछ था, उसे हमें सबक लेना चाहिए। अब बस मैं दुआ करता हूँ आप आगे बढ़िए, खूब फलते रहें, फूलते रहें, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, अपने देश का ख्याल रखना। देश का ख्याल रखोगे तो दुनिया में अमन चैन रहेगा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। Thank you. Wonderful, 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 sir. What a pleasure to have you. Thank you so much. Thank you. अजय जी का मैं धन्यवाद कहता हूँ कि इतना बड़ा सोशल कॉज कर रहे हैं वो, पहले एजुकेशन के माध्यम से वेलफेयर सेंटर हाई स्कूल, इसके 38वें सालाना जलसा में मैं आया हूँ और यहाँ मुझे लाने वाले जो हैं वो अजय सर हैं, मेरे बहुत प्रिय मित्र, बहुत पुराने मित्र, और हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि इनके फंक्शन में ज़रूर आया जाए। इसी बहाने इस इलाके में जो पेरेंट्स हैं उनका दर्शन हो जाता है, उनके बच्चों की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं अजय जी की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का भी मैं एक गवाह बनता हूं। तो अजय जी एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत ही कामयाबी के साथ एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। हाल ही में सर एक बहुत बड़ा अभिनंदन के बारे में बात करें, अभिनंदन जैसे जो नौजवान और वायुसेना के जवान, उन पर हम सबको गर्व है, फक्र है, पूरे देश के जो सशस्त्र सेना के हमारे जवान हैं, उनके पराक्रम की ताकत पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। आज तक आज हिंदुस्तान के सेना के जवानों ने एक नहीं कई बार पाकिस्तान को हराया, हमारे सेना के जवान थे जिन्होंने पाकिस्तान को तो टुकड़े में बदल दिया, हमारे सेना के जवान थे जिन्होंने पाकिस्तान के 93,000 जवानों को सरेंडर करा दिया, ये हिंदुस्तान के हमारे जवान थे जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान को हराया। तो ऐसे जवान हमारे लिए गर्व और गर्व की बात है, उन्हीं में से एक अभिनंदन है, और जिस तरीके से पाकिस्तानियों के सामने उन्होंने अपने हिंदुस्तान की देना चाहूंगी CWC स्कूल को, क्योंकि ये बहुत ही प्रेरणा देने वाला है आजकल के यूथ को, तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, और उनका ये टैलेंट देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बच्चों का वैसे भी उन्हें डांस सिखाना, उनके साथ डांस करना बहुत अच्छा लगता है, इससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। कितना नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो स्कूल में, कोई मेमोरीज ताज़ा? बहुत ज़्यादा, बहुत अपने बचपन को याद करती हूँ, इसीलिए मेरे दोस्त जितने भी हैं वो बच्चे ही हैं, ज़्यादातर उन्हीं के साथ मैं डांस करती हूँ, उनके साथ वक्त बिताती हूँ। कोई शुभकामनाएं देना चाहेंगे कॉलेज के स्टूडेंट को, या फिर कोई मैसेज होगा आपकी तरफ से? स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, तो जितना उमंग उत्साह उनका स्टेज पर देखती हूँ, वो हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, अपना पूरा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा समय मोबाइल पर ना हो करके एक दूसरे के साथ ज़्यादा हो, और इतना व्हाट्सअप थोड़ा छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा होता है व्हाट्सअप पे और वो सब फ़ोन सेल्फीज, मगर आजकल के बच्चों से हमें ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि उनमें इतना टैलेंट है,
उनमें तो नेचुरली गॉड्स गिफ्ट है, इसलिए सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो और हमेशा वो खुश रहें। गॉड ब्लेस।